अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई और किस प्रकार से समाज की बुराइयों को समाज से दूर किया जाए इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में अभिषेक रत्नाकर को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मुरादाबाद जिले की कमान सौंपते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही जिला महामंत्री के पद पर मुकेश भारती को नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता वाल्मीकि महासभा के मंडल अध्यक्ष सत्यपाल वाल्मीकि ने की और संचालन जय किशोर ने किया। सभा में मुख्य रूप से अमन रत्नाकर, आदेश रत्नाकर, दीपक मुल्तानी, दीपक भारती, अतुल, जितेंद्र, सर्वेश, राजू भाई तथा अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य, पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह, मेघराज सिंह, अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम सतपाल वाल्मीकि है, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा। जैसे कि हमारी पिछले माह कोर कमेटी की बैठक हुई थी प्रदेश पर, और जहाँ रिक्त पद जो खाली चल रहे हैं जिलाध्यक्ष के, वो आज हमने अभिषेक रत्नाकर के रूप में नवनियुक्ति करी है जिलाध्यक्ष, और हमारे मुकेश भारती जी जिला महामंत्री, उसके बाद ये अपने आप और पूरे जिले की कार्यकारी बनाएंगे। और हमें आशा है, नहीं पूर्व विश्वास है कि जिले पर ये समाज के प्रति अच्छा कार्य करेंगे, समाज की उत्पीड़न को रोकेंगे और शासन व प्रशासन से जो अपनी मांग है वो मनवाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक रत्नाकर है जी। आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सतपाल वाल्मीकि जी ने मुझे इस जिले की कमान यानी कि जिला अध्यक्ष का पद से नवाजा है, और मैं सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि जी का के चरणों में नमन करना चाहूँगा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करना चाहूँगा। साथ ही आदि धर्म और इस भारत नहीं विश्व को, कौम को जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि का नारा देने वाले, जयकारा देने वाले परम पूज्य ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। जिलाध्यक्ष की कमान मुझे सौंपी गई है और यह मेरा कर्तव्य है कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, ज़रूरी नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लिए ही काम करें या उत्पीड़न हो रहे, अत्याचार हो रहे समाज के लिए उनके हक अधिकार दिलाने के लिए काम करें। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा सर्व समाज जो उत्पीड़ित है और जिसके अधिकारों का हनन आज के समय में होता आ रहा है और हो रहा है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा हमेशा तत्पर रहेगी, और मैं, मेरी पूरी टीम इस कार्य में, इस देश की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की पूरी टीम को।